आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं महाबलेश्वर की एक ऐसी यूनिक जगह, एक ऐसा वैक्स म्यूजियम जिसे दृष्टिहीन लोगों द्वारा बनाया गया है। और कौन यकीन करेगा कि दृष्टिहीन लोग भी इतना अच्छी कलाकृति का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, महाबलेश्वर का नाम सुनते ही हमारी नजरों के सामने आती है सह्याद्री पर्वत शृंखलाओ की खूबसूरत वादियाँ, प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर और एंजॉय करने वाली बहुत सारी जगह है। लेकिन आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं महाबलेश्वर का एक म्यूजियम। महाबलेश्वर से मेड़ा की तरफ जाने वाले रास्ते पर बगदाद पॉइंट की तरफ एक रास्ता है जो जाता है मुड़ेश्वर नाम के गांव में, और इस गांव में है वैक्स म्यूजियम। और यह वैक्स म्यूजियम बनाया है दृष्टिहीन लोगों द्वारा। सनराइज कैंडल द्वारा निर्मित यह म्यूजियम, जहां पर दृष्टिहीन और दिव्यांग लोगों के लिए वर्कशॉप, हॉस्टल और रोजगार दिया जाता है। यहाँ पर आपको अन्य वैक्स म्यूजियम के जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के स्टेचू देखने मिलेंगे, पर उससे भी कई सारे वैक्स के डिजाइन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। सनराइज कैंडल जो भारत के 14 राज्यों में 4000 सेलिंग काउंटर के साथ लगभग 3500 लोगों को और दिव्यांगों को रोजगार देती है। 10,000 से अधिक डिजाइन की मोमबत्तियाँ इनके द्वारा बनाई गई है, जिनमें फ्लोटिंग मोमबत्तियाँ, सुगंधित मोमबत्तियाँ, जेल मोमबत्तियाँ, पारंपरिक मोमबत्तियाँ, खिलौनों और बहुत सारे प्रकार की मोमबत्तियाँ बनाई गई है। एक छोटे से ठेले से शुरुआत करके सनराइज कैंडल आज दुनिया भर के 68 देशों में अपने माल को सप्लाई करती है। सनराइज कैंडल के निर्माता डॉक्टर श्री भावीजी भाटिया जी, जो पूरी तरह से दृष्टिहीन है, उन्होंने इस जगह को बनाकर यह साबित कर दिया कि मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। भावे जी ने शारीरिक रूप से अक्षम्य लोगों के लिए महाबलेश्वर के पास मुड़ेश्वर गांव के पास एक कौशल्य विकास केंद्र खोला, जहां पर उन्हें मोमबत्तियां बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। बचपन से ही वो कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते थे। इस सफर में उनके सामने कई सारी कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भगवान बुद्ध ने कहा है, अत दीप भव, यानी खुद को प्रज्वलित करें। भावे जी ने खुद को इस तरह से प्रज्वलित किया जिसके कारण कई सारे दृष्टिहीन लोगों के जीवन में एक उजाला छा गया। महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर कळसूबाई, जहां पर वे 9 बार जा चुके हैं, और एवरेस्ट के बेस कैंप को भी वो पार कर चुके हैं। लोग जब उन्हें ये पूछते हैं कि आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता, तो वो कहते हैं, मैं देख नहीं सकता इसलिए मुझे डर नहीं लगता। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां आज उनके कस्टमर हैं। अलग अलग प्रकार के कंपनी के लिए अलग अलग डिजाइन के कैंडल ये बनाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के साथ भी सनराइज कैंडल काफी सालों से काम करती आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्री के दिवाली गिफ्ट की मोमबत्तियां भी यहाँ से बनकर दी जाती है। रिलायंस इंडस्ट्री के साथ इनके संबंध इतने अच्छे है कि भावेश भाटिया जी की बायोग्राफी, जिसका नाम है रुको जाना नहीं, उसकी प्रस्तावना भी श्रीमती नीता अंबानी ने लिखी है। 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, 1 डॉक्टरेट की डिग्री और पैरालंपिक में 114 मेडल उन्होंने हासिल किए हैं। उनके इस सफर में उन्हें उनकी पत्नी ने काफी साथ दिया। पुरस्कार और सम्मानों से यहाँ की दीवारें भर गई है। भावेश भाटिया जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ ही एक बहुत अच्छे इंसान है, दृष्टिहीन और दिव्यांग लोगों के प्रति उनका विजन काफी बड़ा है और हम सबके लिए यह एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी महाबलेश्वर घूमने आए तो इस म्यूजियम को जरूर विजिट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना।